शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राइट, वही फाइल है। यकीन नहीं आता कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है जितना तुम प्रीति से करते हो। सिर्फ मेरे कहने पर उससे शादी करने के लिए तुमने अपने बाप को मार दिया। वो मेरा बाप नहीं था। क्या? वीरेंद्र जैसा कमीना मेरा बाप हो ही नहीं सकता। उसे मैंने अपना बाप इसलिए बनाया था ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। अगर वीरेंद्र तुम्हारा बाप नहीं था तो उसने तुम्हें अपना बेटा माना कैसे? अपनी बीवी की वजह से। परसों पहले उसका बेटा खो गया था। मैं उसका खोया हुआ बेटा बनकर उसके सामने पहुंच गया और अपने बेटे की याद में आधी पागल हुई मां को यकीन दिलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वाह, क्या चाल चली है तुमने। एक तीर से कितने शिकार कर लिए। वीरेंद्र की दौलत, मेरी बेटी और मेरा भरोसा, तीनों हासिल कर लिए। मैं तुम्हें जितना चालाक समझता था तुम तो उससे भी ज्यादा चालाक निकले हैं। आज बाप बनाकर तुमने वीरेंद्र को मारा, कल मेरी दौलत हासिल करने के लिए ससुर बनाकर तुम मुझे भी मार दोगे। लेकिन माय डियर सन इन लॉ, मैं वीरेंद्र की तरह बेवकूफ नहीं हूं। फाइल मेरे पास आ चुकी है, इसलिए गुड बाय। माय डियर फादर इन लॉ, आप तो वीरेंद्र से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। ट्रिगर दबाने से पहले यह तो देख लिया होता कि इसमें गोलियां हैं भी या नहीं। अरे, जो वीरेंद्र की तिजोरी से आपकी फाइल निकाल सकता है उसके लिए आपकी पिस्तौल से गोली निकालना कौन सी बड़ी बात है? अरे बेटा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। मजाक का रिश्ता जीजा साले का होता है, ससुर दामाद का नहीं। इसलिए अब एक सीरियस बात सुनिए। वीरेंद्र को मैंने आपकी बेटी के लिए नहीं बल्कि टीके के लिए मारा था। टीके के लिए? हाँ, उसने मुझे तीन आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एक जसवंत, दूसरा वीरेंद्र और तीसरे आप। दुआएं दो अपनी बेटी को जिसकी वजह से आप अब तक जिंदा हैं। मैंने आप तक पहुंचने के लिए उसे सीढ़ी जरूर बनाया था, लेकिन मैं उसे सचमुच इतना प्यार करने लगा हूं कि उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। विकी, कल तक तुमने प्रीति के दिल को जीता था, आज मेरे दिल को भी जीत लिया है। दिल की बात छोड़िए और दिमाग की बात सुनिए। डीके आपको मार के 100% का मालिक बनना चाहता है। मैं डीके को मार के आपको 100% का मालिक बना सकता हूं। लेकिन डीके का पता मैं जानता हूं। आप हिंदुस्तान चलने की तैयारी कीजिए। उस कमीने डीके को मारने के लिए मैं हिंदुस्तान तो क्या, कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं। अब से कुछ देर पहले मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी, लेकिन आज अपने बाप और विकी की बातें सुनने के बाद मेरा इन सारे रिश्ते नातों पर से विश्वास ही उठ गया है। अगर आप सुनेंगी तो आप तो जीते जी मर जाएंगी। जिसे आप अपना बेटा समझती हैं वो आपका बेटा नहीं है। वो आपका बेटा इसलिए बना ताकि वो आपके पति को मार सके। माँ जी, उसी ने आपके पति का खून किया है, आपको विधवा बनाया है। वो एक धोखेबाज है, कातिल है। मैं जानती हूं विकी मेरा बेटा नहीं है। उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद मैंने धरती मां के सीने से एक पापी का बोझ हटाने में उसकी मां बनकर उसका साथ दिया। और उसने मेरे पति का खून नहीं किया, एक देशद्रोही को उसके गुनाहों की सजा दी है। बेटी, जो देश के लिए जान देते हैं वो शहीद कहलाते हैं, जो देश के लिए जान लेते हैं वो कातिल नहीं सोल्जर कहलाते हैं। और इस सोल्जर की कहानी इस विदेशी धरती से नहीं, बरसों पहले हिंदुस्तान की रेतीली सरहदों से शुरू हुई थी, जहां मेरे पति और तुम्हारे पिता अपने तीसरे साथी जसवंत के साथ
मिलिट्री में सर्विस किया करते थे और वहां के हथियारों को चुराकर अपने डी के नाम के साथी को बेचा करते थे। एक बार विकी के पिता मेजर विजय मल्होत्रा ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए इन गद्दारों ने उनको मार डाला। हथियारों की चोरी का इल्जाम भी उन्हीं पर लगा दिया। हम हथियारों का ट्रक लेकर सरहद के लिए जा रहे थे कि अचानक ट्रक खराब हो गया। मेजर विजय मल्होत्रा ने हम तीनों को मदद लाने के लिए कैंप भेजा। रास्ते में हमने देखा एक सिविलियन ट्रक चला आ रहा था। हमरा माथा ठनका और वापस आकर हम का देखते हैं कि गार्ड सारे मरे पड़े हैं और विजय मल्होत्रा और उनके साथी हथियारों को निकालकर अपने ट्रक में डाल रहे हैं। हमने उनको ललकारा, जवाब में उन्होंने गोली चलाई हम पर। मजबूरी में हमें भी गोलियां चलानी पड़ी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत सुबेदार प्रताप सिंह, नायब सुबेदार वीरेंद्र सिन्हा, सिपाही जसवंत दलाल के आंखों देखे बयान के मुताबिक लेट मेजर विजय मल्होत्रा पर देश की रक्षा के लिए मंगाए हथियार लूटने और हथियारों की रक्षा करने वाले गार्ड्स को कत्ल करने का जुर्म पाया गया। इसलिए आर्मी सजा के तौर पर इनकी तमाम सर्विस टर्मिनेट करती है और सर्विस के दौरान दिए गए तमाम मेडल, टाइटल्स और तमगे लेकर देश का गद्दार करार दिया जाता है। Remove the decorations. कितना प्यार करते थे, आपके सामने इन मेडल्स क्यों छीन रहे हैं लोग? ये गद्दार नहीं है सर, ये तो शहीद है सर, ये तो शहीद है सर, ये तो देश के लिए शहीद हो गए हैं सर। हम लाश को नहीं जलाने देंगे, हम अपने गांव की पवित्र जमीन पर किसी गद्दार की चिता नहीं जलने देंगे। खबरदार, इस चिता को हाथ मत लगाना। फेंक दो इस लाश को, फेंक दो इस लाश को। उस शहीद को तो धरती माँ ने अपनी गोद में ले लिया, लेकिन उसके बाद भी इन गद्दारों के बुरे इरादे खत्म नहीं हुए। उन्होंने विकी की माँ के माथे पर बदनामी का दाग लगाकर माँ बेटी को बस्ती के बाहर निकलवा दिया। मैं आपको और राजू को ले जाने आई हूं, हम कहीं दूर जाकर रह लेंगे। नहीं, अगर मैं यहां से चले गए तो उनकी आत्मा ये कहेगी कि औरों की तरह मैं भी उन्हें गद्दार मानकर छोड़कर चली गई। हो सके तो राजू को यहां से ले जाओ।
लेकिन बहन, ये आपके बगैर कैसे रहेगा? मेरे बगैर रहने में इसकी भलाई है। ये माँ को भूल कर जी सकता है, लेकिन यहाँ के लोग इसे बाप की याद दिला दिला कर मार डालेंगे। इसे ले जाओ इसे यहाँ से ले जाओ। तुम मुझसे अलग होकर रह लोगी? नहीं बेटे, नहीं। तुम मुझसे अलग कहाँ हो रहा है? तू तो हर पल हर सांस में मेरे साथ है। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। और उस दिन से लेकर आज तक न कभी उस माँ ने अपने इस बेटे को देखा, न कभी इस बेटे ने अपनी उस माँ को। रेगिस्तान की तपती रेत में 20 साल से वो देवी आज भी लोगों की नफरत और अपमानों को सहती हुई उसी मंदिर में बैठी है। क्या बात है बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने आप को मुझे विधवा बनाने के लिए गुनहगार समझ रहा है? मैंने तो अपने आप को उसी दिन विधवा मान लिया था बेटे, जिस दिन मेरे पति के बेचे हुए बारूद से स्कूल में पढ़ते मासूम बच्चों के साथ मेरा अपना बेटा भी मारा गया था। अरे जो इंसान हजारों सुहागनों के सिंदूर को मिटाने का और मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार हो, उसके नाम का सिंदूर मैं तो क्या? कोई भी हिंदुस्तानी औरत अपनी मांग में कभी नहीं सजाएगी, कभी नहीं सजाएगी। मुझे तो तुझ पर फख्र है बेटे कि जो सर मेरे पति की वजह से दुनिया के सामने झुक गया था वो आज तेरी वजह से फिर उठ गया। कहते हैं कि इंसान को भगवान की दी सौगात में सबसे कीमती सौगात मां होती है। मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मुझे दो दो माएं मिली हैं। I'm sorry, Vicky. प्रीति, तुमने जो किया अनजाने में किया, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं उसे जानकर तुम मुझसे प्यार नहीं नफरत करोगी। मेरे दुश्मनों में सबसे ऊपर तुम्हारे पिता का नाम है। अगर एक पत्नी इंसानियत के लिए अपने पति के खिलाफ तुम्हारा साथ दे सकती है, तो एक बेटी भी इंसानियत के लिए अपने पिता के खिलाफ जा सकती है।